एनआईए ने शिकंजा कस लिया है किसान लीडरों के ऊपर, न सिर्फ दिल्ली के अंदर बल्कि पंजाब और चंडीगढ़ के अंदर भी जो किसान नेता है उनके घरों को नोटिस से रवाना कर दी गई है। सहाफी भी अब इससे पीछे नहीं है, जिन लोगों ने कवर किया है, जिन्होंने स्टोरियां फाइल की है, उन पर भी एनआईए की शिकंजा जो है वो कसता हुआ नजर आ रहा है। और एनआईए ने न सिर्फ राइटर्स को, जर्नलिस्ट को, ट्रेडर्स को, बल्कि जो इस तहरीक के साथ लोग जुड़े हैं उनको भी अब एनआईए की तरफ से समन्स जारी कर दिए गए हैं। और ये समन जो है सिख फॉर जस्ट तंजीम के ऊपर जो पहले ही एफआईआर थे उसमें ये एक बात जोड़ दी गई है कि अब जनाब ये पैसा जो है वो थ्रू किया जा रहा है मुख्तलिफ एनजीओज के जरिए से, ताकि इस तहरीक को जो इस वक्त दिल्ली के अंदर चल रही है, किसानों की तहरीक, बड़ी तहरीक जो है वो चल रही है, इसको और मजबूत किया जाए और इसे मजबूती देने के लिए पैसा जो है वो बैरूनी मुल्कों से लाया जा रहा है और यहाँ पर लगाया जा रहा है, ताकि अदम इस्तेकाम की तहरीक जो है इसको और तवाजुन मिल सके, इसको और आगे जो है वो बढ़ाया जा सके। और यही एफआईआर में एक शिक लगाई गई और इसी के देखते हुए अब एनआईए ने मुख्तलिफ लोगों पर जो है वो नोट से रवाना कर दिया और उनसे पूछताछ का अमल जो है वो तेज कर दिया है। और एनआईए की तरफ से जिन लोगों को जो नोट से मिली है उनमें बड़े अहम नाम सामने आए हैं, जिनमें कुछ जत्थेदार भी हैं, कुछ पंजाब के नामी गिरामी लोग भी हैं और कुछ राइटर्स भी हैं। जसबीर सिंह ये फॉर्मर अकाल तख्त जत्थेदार रहे हैं और जनरल सिंह बिंद्रावाला के नेफ्यू हैं, इन्हें नोटिस मिला है। उसके साथ साथ जो नोटिस मिला है वो मिला है बलविंदर पाल सिंह राइटर है जलंधर के, जसवीर सिंह एक और राइटर है इनको मिला है, तजिंदर सिंह अमृतसर के हैं ये पत्रकार है, वीडियो जर्नलिस्ट है इन्हें मिला है, और केटीवी और अकाल चैनल रिप्रेजेंटेटिव्स को जो है वो नोट से मिली है और उन्हें कहा गया कि वो अपनी वो सारी रिपोर्ट्स लेकर जो है वो हाजिर हो जाए। इसके साथ साथ कुछ और लोग जो है जो कलम अपने जोर कलम की वजह से न सिर्फ पंजाब के अंदर माने जाते हैं बल्कि पंजाब के बाहर भी उनका काफ़ी असर है, उन सब लोगों को जो है वो एनआईए की तरफ से नोट से गई है और उन्हें एक एक करके तलब किया जा रहा है। इस सिलसिले में 5 लोगों से पूछताछ भी हुई है और जिस तरीके से कल हमने आपको बताया था कोचली जान जो मसरूफियात की वजह से एनआईए के सामने पेश नहीं हो पाए थे, जिन्होंने हवाला दिया था इस बात का कि वो बिजी हैं अपने कुछ जाती कामों की वजह से, लेकिन 5 लोगों से पूछताछ हुई है और कई टीवी चैनल्स भी हैं, कई न्यूज पोर्टल्स हैं जिन पर गाज गिरी है, जिनसे पूछताछ आने वाले दिनों में आ सकती है, क्योंकि न सिर्फ सहाफी जो मुसन्निफ हैं इसके साथ साथ दीगर कई लोग हैं जो टीवी चैनल्स को रन करते हैं, प्राइवेट चैनल्स हैं या फिर पोर्टल्स हैं, उसके साथ साथ मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स, वो तमाम लोग भी अब एनआईए के सर्कल में आए हैं जिनसे आने वाले कुछ दिनों के अंदर पूछताछ हो सकती है। और पिछले 24 घंटों में 5 लोगों से सिलसिले में पूछताछ एनआईए कर